हर हर महादेव मेरे सारे भाइयों को, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा की ऑल्ट्रोस एक्सजेड वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट। फ्रंट में इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे हाई बीम का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है ये लो बीम का होता है, इसके साथ हेलोजन का एक हाउसिंग दी हुई है हाई बीम के लिए। साइड लुक में डायमंड का टलॉय मिल जाते हैं हमें 16 इंचेस के, कुछ ऐसी लुक है साइड से। ये टाटा ऑल्ट्रोस की डे टाइम रनिंग लाइट है जो फॉग लैम्प हाउसिंग के बाहर आती है। एक्चुअली अभी सूरज की रोशनी बढ़ रही है तभी नहीं दिख रही है, सेकंड टॉप वेरिएंट है ये। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी हुई है, उसके नीचे क्रोम फिनिश दी हुई है, काफ़ी अच्छी लुक मतलब निकाली है टाटा ने ऑल्ट्रोस की। इंटीरियर में चलते हैं अब। पैसिव कीलेस एंट्री मिल जाती है हमें डोर्स में, फ्रंट डोर कुछ ऐसा दिखता है इसका, ड्यूल टोन में है, ब्लैक और बेज कलर का, प्लास्टिक फिनिश दी हुई है, सारी प्लास्टिक है। वो आरपीएम्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए हुए हैं, फिल्टर। कुछ ऐसा है एक्सेट का डैशबोर्ड। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, गर्मी काफ़ी है। पुश स्टार्ट बटन मिलता है, जिसमें बाहर आपको पैसिव कीलेस एंट्री मिलेगी उसमें पुश स्टार्ट बटन होता ही होता है। उसके बाद स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स, ऑल्ट्रोस की बैजिंग दी हुई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है वो भी हरमन का। एसी वेंट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे इसके लुक वाइज। इस पर भी थ्री टोन इंटीरियर है, ऊपर डिस्क ब्लैक दिया हुआ है, सिल्वर कलर का थोड़ा ग्रे ग्रे शेड दे रहा है, लास्ट में बेज कलर का। रीडिंग लाइट्स दी हुई है, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता हमें, को ड्राइवर साइड मिल जाता है इसमें। एक चीज़ मुझे ना काफ़ी अच्छी लगती है टाटा वालों की कार्स की, इनकी ना कार्स रिलायबल होती है। मैंने एक टाटा इंडिका V2 टर्बो देखी थी, वो 1,10,000 किलोमीटर चल गई हुई थी डीजल में, 1.4 लीटर का इंजन। 1,10,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी इतना ज़्यादा रिफाइन इंजन था उसका कि लग रहा था ड्राइव करने में और उसकी आवाज़ सुनने में कि पेट्रोल इंजन है, और स्टिल वो एक डीजल इंजन था। उसी चीज़ को मैं देख के कह रहा हूँ। और सेकंड वन, इसकी बिल्ड क्वालिटी, टाटा वालों का तो घर का ही लोहा है बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है टाटा। ये आजकल ना काफ़ी ट्रेंड चल गया हुआ है इसका, आपने देखा होगा बाकी हमें कार्स में लाइक ऐसे मिलता है हमें एसी की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए बटन। इसमें बट सिल ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ से कम हो जाती है, यहाँ से ज़्यादा हो जाती है। इसमें फ्लो हमें 7 स्पीड तक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा फ्लो दे रही है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। ग्लव बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे भी है। ग्लव बॉक्स में यहाँ से ओपन होता है, ये थोड़ा हाइड करके दिया हुआ है यहाँ पे बटन। उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है, शायद ट्विटर्स के हैं, मुझे इतना पता नहीं है टू बी फ्रैंक। थोड़ी स्पेस यहाँ पे भी दी हुई है, ये भी शेड शोल्डर कह सकते हैं हम। चाप भी कुछ ऐसी आती है इसकी, प्रीमियम लगती है हाथ में पकड़ने से। 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें जो देता है हमें 88 अराउंड BHP, 18.93 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज कंपनी क्लेम करती है। इसमें हमें दो ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वन आ गया आपका
सेफ्टी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये दो मोड आते हैं इसमें। यहाँ पे हमें अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, बोटो होल्डर्स मिल जाती हैं। ORVM की शेप कितनी अच्छी है यार। इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा सर, और क्या मिलता है इसमें हमें? इसमें कूल बॉक्स मिल जाएगा, एग्जैक्ट सेकंड ऑफ मॉडल है अल्ट्रा का। अच्छा, इसमें टू कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। एसी लगाओगे तो अंदर जो चीज रखी होगी वो कूल ही रहेगी। सुनील सर प्लीज आप मुझे ये बताएंगे जो इसके साथ ये वॉच आती है, रिस्ट वॉच का क्या है? कि रिस्ट वॉच अगर आपके पास होगी, आपको की जरूरत नहीं है, रिस्ट वॉच आपने पहनी होनी चाहिए या आपकी जेब में होनी चाहिए, इसी से आप लॉक अनलॉक और स्टार्ट भी कर सकते हो गाड़ी। अच्छा, इतने फीचर्स हमें मिलते हैं, क्या बात है जी। मतलब टाटा ने जो ये बनाई है ना होल्ट्रोस की रिस्ट वॉच, ये इतनी जबरदस्त लग रही है कि क्या बताऊं मैं। मेरा तो मन कर रहा है भाई इसका टाटा का लोगो हटा के हाथ में डाल। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू जी। अब चलते हैं इसकी रियर में। रियर में डोर हैंडल आप सोच रहे हो कहाँ गया है, तो मैं बता दूं आपको, रियर में डोर हैंडल इसका यहाँ पे होता है। काफी अच्छा डोर है, फिनिश काफी अच्छी दी हुई है यहाँ पे। मैं अभी रियर में बैठा हूँ, मुझे लेग रूम की कोई भी कमी फील नहीं हो रही है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज की हुई है। ये भी 4 मीटर में ही आती है। रियर एसी वेंट्स दे दी हुई है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे दिया हुआ है। विंडोज़ के कंट्रोल। एक चीज़ मुझे ना टाटा वालों से थोड़ी सी शिकायत में रह गई कि जब हम इसको लॉक करते हैं तो लॉक ऐसे हो गया, कोई बच्चा पीछे बैठा होगा वो लाइक उसको अगर ऐसे ही पुल अप करेगा ना गाड़ी खुल जाएगी। ये चीज़ थोड़ा सा टाटा को सेफ्टी में ध्यान रखते देना चाहिए था, एक अलग दे देते, यहाँ दे देते या यहाँ दे देते, जैसे BMW वगैरह में इस साइड होता है, इसमें साइड पे दे देते। डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है जीटा एक्सेड वेरिएंट का, सेकंड टॉप वेरिएंट का, काफ़ी अच्छा है। रियर में भी स्पेस की कोई कमी नहीं है, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं, फ्रंट 2 एयरबैग्स। इसमें साथ में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट के साथ साथ हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाती है। ये अब जैसे पुल करोगे इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे हुकती हुई है कोट वगैरह टांगने के लिए। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी हुई है फ्रंट में और रियर में दोनों साइड। अब चलते हैं बूट की तरफ। रियर लुक कुछ ऐसी है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के ऊपर ऑल्ट्रोस लिखा हुआ है और टाटा की बैजिंग दी हुई है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, यहाँ पे स्टॉप लैंप दिया हुआ है। ये साइड पे उन्होंने ग्लॉसी ब्लैक सा कुछ दिया हुआ है, बट स्टिल ये मुझे स्पॉइलर नहीं लग रहा है, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है जो भी उन्होंने, शायद ये एसेसरी का पार्ट होगा। अगर आपने रियर में स्पॉइलर लगाना होगा, जो ये आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये यहाँ से उतर जाएगा और इसी की जगह पे स्पॉइलर लग जाएगा। कोई एक्स्ट्रा हमें होल वगैरह ड्रिल से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में स्पॉइलर लग जाएगा आपका। बूट स्पेस काफ़ी बड़ी मिल जाती है इसमें। ये पार्सल ट्रे, टाटा वालों ने एयर पंप भी दिया हुआ साथ में। 14 इंच का स्पेयर भी मिल जाएगा विद टूल किट के साथ। ये रही कुछ रियर की लुक, साइड से ऐसी है, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश दी हुई है। फेंडर पे इंडिकेटर दिया हुआ है। ये रही टाटा अल्ट्रोस एक्सेड सेकंड टॉप वेरिएंट। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 8,19,000 एक्स शोरूम जम्मू, ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ऊपर ही चल जाएगी ये एक्सटेंडेड वारंटी एसेसरी वगैरह डाल के।
आई होप यू गाइज इन्जॉय द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।